वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष व्यू। आज हम लोग जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, यह टॉपिक आपके सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट सेकेंड का है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो आज हम लोग जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में। सामुदायिक स्वास्थ्य चर्या कैसे होती है? तो देखिए, इसमें है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें स्वास्थ्य टीम के सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समाज में रहने वाला समूह है जिसमें स्वास्थ्य टीम, स्वास्थ्य से संबंधित टीमें जो होती हैं, के सदस्य जो होते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो देखिए, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति अवधारणा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेल्थ कंसेप्ट ऑफ पीपल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्वास्थ्य सबके लिए की अवधारणा सन 2000 एडी में अस्तित्व में आई। इसके पहले यह सन 1933 में संसद में पारित किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आलम आटा स्थान जो है कजाकिस्तान में है, तो आलम आटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई। इसके अंतर्गत नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी बनाई गई जिसमें स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 30 बेड का होना चाहिए, यह पारित किया गया। इसमें देखिए क्या हुआ, फर्स्ट, स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानना, मतलब लोगों को अपने स्वयं की जिम्मेदारी मानना। सेकंड है स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर निवारण करना। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका, स्वास्थ्य की जो टीमें होती हैं उनके साथ मिलकर उनका निवारण करना, हल करना होता है। थर्ड देखिए, वे लोग स्वास्थ्य सर्विस को उनकी जरूरत के अनुसार देते हैं। जो स्वास्थ्य टीमें हैं वह उनकी जरूरतों के अनुसार, उनकी जरूरत है उसी हिसाब से उनकी मदद करते हैं। और है टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड रखना। बच्चों को जो टीका लगाया जाता है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड रखना। देखिए इसमें नेक्स्ट हेडिंग, समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य व्यवहार, विश्वास या सांस्कृतिक अभ्यास, हेल्थ बिहेवियर, बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी। इसमें देखिए क्या है, मनोविज्ञान में समुदाय स्वास्थ्य की सामान्य टीम मनुष्य का व्यवहार है। मनोविज्ञान जो आपका जो है साइकोलॉजी है, उसमें समुदाय कम्युनिटी स्वास्थ्य की सामान्य टीम मनुष्य का व्यवहार है। मनुष्य का व्यवहार उत्तेजना की प्रक्रिया है। शारीरिक उत्तेजना जैसे आदत हुई, जैविक उत्तेजना, संवेग, ज्ञात तनाव, बौद्धिक उत्तेजना, सोच, कारण इत्यादि। क्या है, मनुष्य का व्यवहार उत्तेजना की प्रक्रिया है। जैसे शारीरिक उत्तेजना में जैसे आदत होती है कि आदत कैसी है, जैविक उत्तेजना में संवेग, ज्ञात तनाव, संवेग से संबंधित तनाव, बौद्धिक उत्तेजना सोच, कारण सोच विचार जो होता है इत्यादि। लोगों का व्यवहार ही स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसका व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। जिस प्रकार तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, अगर हमें तनाव है तो हमें गुस्सा आएगा ही, जाहिर सी बात है, तो और बेरुखा व्यवहार करने लगता है। यह गुस्सा व्यक्ति को कमजोर बनाता है। गुस्सा ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। इसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान विचलित हो जाता है। गुस्से की वजह से व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो विचलित हो जाता है। कोई भी कार्य करने से मतलब हिचक जाता है, विचलित अलग हो जाता है, विचलित हो जाता है। भूख में कमी हो जाती है,
और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तनाव की वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती। अगर व्यक्ति के मन में कोई संशय या तनाव है किसी किसी कारणवश, तो उसे नींद नहीं आती है, हमेशा जो है घबराहट रहती है, एनजाइटी। इसी तरह से बच्चों में भी तनाव व गुस्सा के कारण पेट में दर्द, ऐंठन व असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। जैसे इसी तरह से ही बच्चों में भी होता है, तनाव अगर है तो वह उनके पेट में दर्द होता है, ऐंठन और असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। समुदाय में व्यक्तियों का अच्छा व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। समुदाय के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे सभी व्यक्तियों को मानना होता है। समुदाय के लोग रीति रिवाजों के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो समुदाय में जैसे लोग रहते हैं तो वह रीति रिवाज, पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करते हैं, जिनका हर पीढ़ी जो है उसकी पुराने से लेकर नई जितनी भी पीढ़ियाँ हैं सभी पालन करते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह मालूम करना चाहिए कि समुदाय में कौन सी परंपराएं प्रचलित हैं, उनके क्या क्या घरेलू उपाय हैं। कुछ लाभदायक एवं कुछ हानिकारक उपाय भी होते हैं। लाभदायक में जैसे माने नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस की पत्तियां, खांसी जुकाम में नीम की पत्तियां चेचक में खून साफ करती हैं। पपीते के बीज पेट के कीड़ों को नष्ट करने के काम आते हैं। करेले का रस मधुमेह जैसे डायबिटीज के कीड़ों को नष्ट करने के काम आते हैं। इन सब का सेवन करने से हमें जो है लाभ मिलता है। करेले का रस मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। आँख के फिर फड़कने पर गाज का टुकड़ा लगाना चाहिए। अगर हमारी आँख फड़कती है तो उस पर गाज का टुकड़ा लगाने से वो ठीक हो जाती है। हानिकारक मान्यताओं की माने तो देखिए इसमें क्या होता है, हानिकारक मान्यताओं को स्वास्थ्य शिक्षा देकर खत्म किया जा सकता है। लोगों को शौच इत्यादि के लिए शौचालय के बजाय खुले मैदानों में जाने से रोकना, नवजात शिशु को गर्म लोहे से जलाना या दागने से रोकना, जख्मों पर मिट्टी या गोबर लगाना इत्यादि, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, कुंठाएं हैं, परंपराएं हैं, आते हैं, लोकाचार आदि को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समाज के कानूनों की आवश्यकता है। कुछ कानून बताए गए हैं जो हमारे समाज में, कुछ नियम बताए गए हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है विधान की धारा द्वारा, सेकंड है अदालत द्वारा, थर्ड है पुलिस द्वारा धारा। कानून पूरे देश के समाज के लिए समान होते हैं। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो बलपूर्वक अपनाए जाते हैं। कानून का पालन सभी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। दैट्स ऑल।